these are the things required for making hand sanitizer. ये आप एक साफ सा बोल और एक स्पून लेने और इसको अच्छे से मैंने साफ कर लिया डिटॉल के पानी से भी, क्योंकि आप हैंड सैनिटाइजर बना रहे हैं तो आपको उसको ध्यान में रखना है। ये एलोवेरा जेल है, ये एक खाली सी बॉटल है जिसके अंदर मैं ये सैनिटाइजर भरूँगी। आपके घर जो भी अवेलेबल है आप उसमें डाल लें। ये मॉइस्चराइज़र है, ये डिटॉल का पानी है बेसिकली, मैंने इस बॉटल में निकाल लिया। और ये मेरा एक शॉवर जेल है जो मैं एक स्मेल के लिए ऐड करूँगी। और ये बिल्कुल तो बेसिकली मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल और 1 टेबलस्पून ऑफ डिटॉल वाटर डाल दिया। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और इसकी विस्कोसिटी कुछ जो है इस तरह की है, थोड़ी सी यू नो थिक होनी चाहिए। और फर्दर अभी मैं ऐड करके आपको दिखती हूँ चीज़ें कि मैंने आपको बताया था कि जेल आपने थोड़ा सा डालना है, तो इसलिए मैंने फ्यू ड्रॉप्स डाले हैं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डालोगे तो ये बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। इसके बाद मैंने 1 टेबल स्पून जो है इसके अंदर मॉइस्चराइज़र भी डाल दिया है। और अब मैं इसको मिक्स करूँगी और इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखाती हूँ थोड़ी देर तक अच्छे से मिक्स करके। फाइनल स्टेप, अगर आप इसके अंदर फ्रेगनेंस कोई ऐड करना चाहते हैं और आपके घर में कोई भी स्प्रे या परफ्यूम है तो आप थोड़ा सा ऐड कर दें उसमें, ताकि इसके अंदर एक अच्छी स्मेल डेवलप हो। इसके बॉटल के अंदर पोर कर लिया सारा और अभी मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाती हूँ। सो आपने हाथ में थोड़ा सा फ्यू ड्रॉप्स इतने ना फैम, आपने इसको अच्छे से रब किया और अपने हाथ पर अप्लाई कर लिया और ये आपका हैंड सैनिटाइजर तैयार।